दोस्तों ये वीडियो मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जब सीज़न का पहला राउंड निकलता है ड्रैगन फ्रूट में उसके लिए तरह तरह के सवाल आते थे किसानों की ओर से तो मैं आज आपको थोड़ी कुछ चीज़ें इसके आ, रिलेटेड शेयर करना चाहता हूँ चाहे वो बारिश की वजह से मिल जाए आ, या फिर आ, स्प्रिंकलर हमने लगाया है फार्म में तो फार्म में स्प्रिंकलर की वजह से उसको थोड़ा सा यूमिनिटी मिल जाए तो उसमें नया फ्लावरिंग आ जाता है लेकिन फ्लावरिंग आने के बाद जो उसमें से हमें फ्रूटिंग निकालना है वो इतनी बड़ी साइज़ में नहीं निकलता क्योंकि वो फ्रूट की साइज़ है वो छोटी रहती है फ्लावर की साइज़ भी छोटी रहती है उसका रीज़न है कि जो फ्लावर निकला है वो पूरे का पूरा प्लांट है वो पूरा ट्रेस में है आप देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत सारे फ्लावर निकले हैं लेकिन फ्लावर सब छोटी छोटी साइज़ के हैं उसमें जो फ्रूट निकल रहे हैं वो भी छोटी छोटी साइज के हैं और इसके साथ और एक बात है कि फ्लावर ड्रॉपिंग भी ज़्यादा आता है तो जब पहला राउंड निकलता है सीजन का उसमें ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आता है आप देखिए फ्लावरिंग तो बहुत निकला है और यहाँ पर स्प्रिंकलर भी लगा है तो स्प्रिंकलर की वजह से ये फार्म के अंदर फ्लावरि फ्लावरिंग ज़्यादा आया है वैसे तो अचानक क्लाइमेट बदल जाता है बारिश आ जाती है बारिश का मौसम बन जाता है तो भी फार्म के अंदर मैन सीज़न छोड़ के भी फ्लावर निकल आता है ये ड्रैगन फ्रूट में तो वो फ्लावर की साइज नहीं मिलती फ्लावर ड्रॉपिंग होने का चांस भी बढ़ जाता है और फ्रूट की साइज़ वो भी इतनी बड़ी नहीं होती जितनी मैन सीज़न में आ, प्लांट की साइज बड़ी हो जाती है आप देखिए मैं आपको दिखा यहाँ पर देखिए आप ये जो साइज़ है वो बन रही है इतनी बड़ी नहीं है कलर आ चुका है और जो दूसरे प्लांट है वो भी आप देखिए तो जितना बड़ा साइज होना चाहिए उतना बड़ा साइज नहीं बनता तो दोस्तों ये मेरी सिर्फ आपको रिक्वेस्ट है कि जब पहला राउंड निकलता है उसमें हो सके कम फ्लावर है तो आप ड्रॉप कर दीजिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा पीछे से आपको बेनिफिट मिलने वाला है क्योंकि ये पूरा प्लांट है उसमें एक तो एनर्जी ख़त्म हो चुकी होती है पूरा प्लांट ट्रेस में रहता है उसमें पूरा एनर्जी आ जाता है इसके बाद आप उसमें से फ्लावरिंग निकालोगे फ्रूटिंग लोगे तो वो फ्रूटिंग भी आपको शानदार